बच्चों का 3 लाख जो इन्होंने पास किया उनका कसूर ही क्या? तो सर कितना सारा डंडा दे देंगे हम जो करे काम काम करेंगे। मेरा सरकार गिरफ्तार करे और इस खोखो को भी हमारी चेतावनी है ना तो तेरे भी जूते की माँ गाल के इनका हरियाणा तो बाहर करा और वो हमारी बेटियां हैं और उनकी इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग है हमारी बहन बेटियां जिन्होंने हमारा मान सम्मान किया जिन माँ बाप ने इनको कच्ची मिट्टी में सुबह से होता थी शाम और इन्होंने अपनी मेहनत के नाम पे विदेशों में भी कमाया है नाम तो इन महान बेटियों का हमें साथ देना है। और युवा साथी मेरे 200-300 साथी आए हैं जो कि ऑल हरियाणा से आए हैं। हम लोगों के पास अपना साधन तो नहीं था लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया जहाँ तक पहुंचे क्योंकि हम हमारी बहन बेटी साथ लगेंगे तो तभी जाके कुछ होगा। और दोस्तों एक और मुद्दा है हमारा, हम लोग जो युवा साथी हैं हरियाणा में सीटी का एक पेपर हुआ था उससे रिलेटेड, उस पेपर में 3 लाख बच्चों को इन्होंने पास किया था। अभी सरकार बोल रही है कि 4 लाख 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे जो टॉपर है तो हम बच्चों का 3 लाख जो इन्होंने पास किया है उनका कसूर ही क्या? हम लोग 4 साल से बेरोजगारी ठोकरे खा रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे 60-70 रुपये देवे ला रहे साल के बच्चे लगे और हमारा साथ नहीं सिखा रहा। किसे मुख्यमंत्री का मिला जन सुवाद में बाहर उठाते हैं, किसे का मिला जो बाल विकास मंत्री महिला का मिला मैं कहते उसकी बाहर उठा कर मंगवा दिया, मैं मिला वो प्रतिशत एक जन खरीदा उसकी मंगवा दिया। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या? आपसे अनुरोध है बेटियों के साथ साथ हम 4 लाख युवाओं की पुकार सुने जिन्होंने पेपर पास किया, हम लोग सरकार से अगले पेपर में बैठने का अधिकार मांग रहे हैं। कल HCS का पेपर हुआ था उसमें 32 क्वेश्चन न्यू के न्यू रिपीट तो केंद्रीय इनके बंदे लगवाने लग रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सभी से बीजेपी सरकार को वोट चाहिए, हम 2024 में 3 लाख युवाओं की सुने पुकार, यदि सीट क्वालिफाई नहीं करी खट्टर सरकार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद यमुना पार, धन्यवाद सुरेंद्र चौधरी।